वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में जो घंटियां लगाई जाती हैं उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या होता है? और जैसे कि हम सबको पता होता है, किसी भी चीज़ की जब एक्सपायरी डेट हो जाती है तो वो चीज़ खराब हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहर की अगर एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है तो क्या जहर एक्सपायरी डेट के बाद ज्यादा जहरीला हो जाएगा या फिर कम जहरीला हो जाएगा? लॉजिकल फैक्ट्स की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में थोड़ी सी वैल्यूज ऐड जरूर करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर वन, 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे धरती पे 7.8 बिलियन यानी कि इतने लोग हैं। फैक्ट ये है कि आज तक धरती में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनमें से 2/3 पॉपुलेशन यानी कि इतने लोगों ने कभी भी स्नो नहीं देखी है, यानी कि इतने सारे लोगों ने कभी भी बर्फ गिरते नहीं देखी है अपनी जिंदगी में। फैक्ट नंबर टू, हम हमेशा सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम एक पेंसिल से सीधी लाइन खींचना चालू करते हैं तो हम कितनी दूर तक उस सीधी लाइन को खींच सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको कभी भी इस चीज़ का आंसर नहीं मिला हो। अगर हम बात करें कि किसी भी पेंसिल से अगर हम सिर्फ सीधी लाइन खींचते हैं तो हम कितनी दूर तक लाइन खींच सकते हैं, तो इसका आंसर है अगर हम पेंसिल से सिर्फ सीधी लाइन खींचे उसमें इतनी लीड होती है कि जिससे हम 61 किलोमीटर तक सीधी लाइन खींच सकते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, इस चीज़ को आपको या फिर इस दुनिया में किसी भी इंसान को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि कोई भी इंसान अपनी आत्महत्या अपनी सांस रोके नहीं कर सकता है। ऐसा हमारी बॉडी हमें अलाउ ही नहीं करेगी कि हम खुद की सांस रोके अपनी जान ले लें, अनटिल अनलेस कि हम पानी में कूद जाते हैं या फिर हम अपने नाक को किसी भी ऑब्जेक्ट से बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं। अगर हम अपने हाथों से अपनी सांस रोकना चाहें और अपनी जान लेना चाहें तो हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। फैक्ट नंबर फोर, हम में से करीब करीब 90% लोगों को यही लगता है कि पहले खोज माचिस की हुई होगी और उसके बाद लाइटर आए होंगे, क्योंकि लाइटर माचिस से ज्यादा अच्छा इन्वेंशन है और माचिस लाइटर से कम अच्छा इन्वेंशन है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि लाइटर की खोज माचिस से पहले हुई थी। तो लाइटर की खोज हुई थी 1823 में और उसके 3 साल बाद माचिस की खोज हुई थी 1826 में। फैक्ट नंबर फाइव, ये फैक्ट आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा और ये फैक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और ये फैक्ट है कि पिछले 4000 सालों में किसी भी जानवर को पालतू जानवर की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। पिछले 4000 सालों में ऐसा कोई भी जानवर नहीं आया है जिसको हम पालतू जानवरों की कैटेगरी में डाल सकें, ऐसा पिछले 4000 सालों में हुआ ही नहीं है। फैक्ट नंबर सिक्स, अभी हमारी दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर हम करंट पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 7.8 बिलियन, और अगर हम फैक्ट की बात करें तो अगले 12 महीने में करीब करीब 54 मिलियन यानी कि 5 से 5.5 करोड़ लोग अगले 12 महीने में मर जाएंगे, और ऐसा कोरोना वायरस या फिर किसी भी बीमारी की वजह से नहीं होगा। ये जो नेचुरल डेथ रेट है हमारी अर्थ का, अगर हम उस डेथ रेट के हिसाब से बात करें तो अगले 12 महीने में करीब करीब 54 मिलियन यानी कि 5.4 करोड़ लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। फैक्ट नंबर सेवन, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो हम सब जानते हैं फ्रेंच किस क्या होता है, हमने फिल्मों में इसे देखा है, तो फ्रेंच किस को हम फ्रेंच किस इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि वो फ्रेंच किस है। लेकिन अगर हम फ्रांस में रहते हैं और अगर फ्रांस में रह के हमें इस किस को कोई नाम देना होता है तो वहाँ पे इस किस को इंग्लिश किस बोला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। फैक्ट नंबर एट, सन की सरफेस का टेम्परेचर करीब करीब 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस चीज से हमें अर्थ पे क्या फर्क पड़ता है? सूरज में जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से अर्थ में ये इफेक्ट होता है कि सूरज की गर्मी की वजह से आईफिल टावर सूरज की अपोजिट डायरेक्शन में 7 इंच झुक जाता है, और ये आईफिल टावर पे इफेक्ट सिर्फ सन की सरफेस पे जो हीट है और जो हीट का इफेक्ट अर्थ पे होता है उसकी वजह से होता है। फैक्ट नंबर नाइन, अब हम उस फैक्ट की बात करेंगे जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की है कि मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? वो लोग जो भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करने मंदिरों में जाते हैं वो घंटी जरूर बजाते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो कभी चीज़ों को साइंटिफिक अप्रोच से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा सिखाया जाता है कि भगवान ने उन्हें बनाया है और उन्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, और वो कभी भी साइंटिफिक अप्रोच से किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते हैं जो रिलीजियस होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में नहीं मानते हैं। अब जो लोग भगवान में नहीं मानते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक चीज़ को बुरा मानते हैं, वो लोग हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखते हैं। जो भी लोग भगवान को मानते हैं वो लोग उनकी इज्जत नहीं करते हैं और उन्हें बेवकूफ समझते हैं। लेकिन कुछ लोग जो भगवान में नहीं मानते लेकिन वो लोग हर एक चीज़ को साइंटिफिक अप्रोच से देखने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग मी, जिनमें मैं भी आता हूँ। मंदिरों में घंटियां क्यों लगाई जाती हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन और लॉजिक क्या होता है, और इसीलिए मैंने अंधविश्वास को भी साइंटिफिक अप्रोच से देखने की कोशिश की थी। आज से करीब 1.5 या 2 साल पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन उनमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। तो उन दोनों वीडियोस में जो पहली वीडियो है उसमें मैंने
मैंने आपको ये बताया है कि अंधविश्वास जो हमें देखने को मिलते हैं, जो अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं, उन अंधविश्वासों के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, क्या सोच के उन अंधविश्वासों को बनाया गया था। और उस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया है कि अंधविश्वास के बनाने का कोर रीजन और उसके पीछे साइंस क्या होती थी। तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो जब भी हम किसी हिंदू टेम्पल, किसी हिंदू मंदिर में जाते हैं, तब हम मंदिर में घंटी बजा के मंदिर के अंदर जाते हैं, और जब हम मंदिर से बाहर आते हैं तब हम घंटी बजा के मंदिर के बाहर आते हैं। तो अगर हम पुराणों की बात करें या फिर स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा गया है कि घंटी बजाने से जो भी ईविल फोर्सेस होती हैं, जो भी भूत होते हैं या फिर ऐसी चीजें जो आपको हार्म कर सकती हैं, वो चीजें आपसे दूर रहती हैं। लेकिन अगर हम उसके पीछे साइंस की बात करें, तो जब भी हम किसी मंदिर की घंटी को देखते हैं, तो वो घंटी कभी भी एक मेटल की नहीं बनी होती है। मंदिर की घंटी बनाने में कैडमियम, कॉपर, जिंक, निकल, लीड, मैग्नीज, क्रोमियम, इन मेटल्स का यूज किया जाता है। और इन सारे मेटल्स का यूज ऐसे ही नहीं किया जाता है। जब किसी भी घंटी को बनाया जाता है तो इन मेटल्स की एक पर्टिकुलर अमाउंट यूज किया जाता है, जिससे एक मंदिर की घंटी बनती है। तो जब घंटी बन जाती है इन सारे मेटल्स का यूज करके, और जब भी हम घंटी बजाते हैं, तब घंटी से सिर्फ 7 सेकंड का एक एक्वेस्टिक साउंड आता है। किसी भी घंटी में 7 सेकंड से ज्यादा साउंड कभी नहीं आता है। तो जब ये एक्वेस्टिक साउंड हमारे ब्रेन में जाता है, तब हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट पार्ट को ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन फुल बूस्ट हो जाता है और हमारे माइंड में एक पीसफुलनेस आ जाती है। आप चाहे भगवान में मानते हो या फिर ना मानते हो, ये आपके साथ होगा। फैक्ट नंबर 10, अब हम बात करते हैं कि क्या एक्सपायरी डेट के बाद जहर ज्यादा जहरीला हो जाता है या फिर उसकी पावर कम हो जाती है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। जब भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं जो सिंथेटिक होती है, जो ऐसी चीज से बनी होती है जिसपे वाटर और मॉइस्चर का इफेक्ट होता है, वो चीज खराब होती है। तो कोई भी जहर होता है जो किसी भी चीज को खत्म करता है, चाहे इंसानों को या फिर जानवरों को। वैसे इंसानों को मारने के लिए इस दुनिया में कोई भी जहर नहीं आता है, इंसान उसी जहर को खा के मर जाते हैं जो जानवरों के लिए होता है। तो किसी भी जहर की एक्सपायरी डेट के बाद ये होता है कि उसमें एयर और मॉइस्चर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका सिंथेटिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो अगर कोई भी जहर किसी भी चीज को मारने में 1 या 2 दिन लेता है, तो वो एक्सपायरी डेट के बाद काम करेगा, लेकिन वो उसी चीज को मारने के लिए महीनों का टाइम लगा सकता है। तो जहर के एक्सपायरी डेट के बाद जहर ज्यादा जहरीला नहीं हो जाता, बल्कि उसका काम करने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। ना वो ज्यादा जहरीला होता है, ना वो कम जहरीला होता है, बल्कि उसके काम करने का टाइम बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला, जो आपको जरूर मिला होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और द लॉजिकल टॉक की दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।